दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा है, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर, मैं हूँ गीता राणा। एक बार एक आदमी था जो हर रोज़ ATM से 100 रुपये निकाला करता था। ATM का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो हर रोज़ उस आदमी को देखता और उसे मन होता कि वो उससे पूछ ले कि आखिर वो सिर्फ 100 रुपये ही क्यों निकालता है। पर वो सिक्योरिटी गार्ड डरता था कि कहीं वो आदमी इस बात से गुस्सा ना हो जाए। आखिरकार उस सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ी हिम्मत करके उस आदमी से एक दिन पूछ ही लिया कि साहब आप रोज़ यहाँ आते हैं, मैं देखता हूँ कि आप रोज़ यहाँ से 100 रुपये निकाल कर ले जाते हैं, पर आपको देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि आपके पास सिर्फ 100 ही रुपये होंगे, तो क्यों ना आप एक साथ ही रुपये ले जाइए ताकि आपको बार बार यहाँ आकर कष्ट ना उठाना पड़े, आप ऐसा क्यों करते हैं। तब उस आदमी ने बड़ा ही खूबसूरत आंसर दिया। उसने कहा कि भाई साहब मैं एक फ़ौजी हूँ और सरहद पर मेरी नौकरी है, मैं हर रोज़ इस ATM से 100 रुपये इसलिए निकालता हूँ क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट मेरी बीवी के मोबाइल नंबर से जुड़ा है। मैं जब यहाँ रोज़ 100 रुपये निकालता हूँ तो उसे पता चल जाता है कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ और इस तरीके से मेरा परिवार एक चैन की ज़िंदगी जी रहा है। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में मुकाम होता है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।